गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रिशेप बाय मीतू। और अभी हो रहा है सुबह के 6 और आज डेट है 1 जुलाई। और आज से मेरा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है क्योंकि इतने दिन की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई को मेरे स्कूल खुल जाते हैं। तो आज मेरा स्कूल ओपन हो गया है। अभी मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और जिसमें मैं अजवाइन का पानी ले रही हूँ और इसको पीते पीते मैं अपना फेस पैक भी लगा लूँगी क्योंकि टैनिंग बहुत हो गई है। घूम के आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है, पानी और धूप से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से नहा के आपसे मिलती हूँ क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है और समझ नहीं आ रहा है इतने दिन की छुट्टी के बाद में कैसे मैनेज होगा, बट सब मैनेज होगा। और हम उसी हिसाब से अपनी मील को प्लान करेंगे और इसका भी हम एक पॉजिटिव वे में अपना एक रास्ता निकालेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ क्योंकि मैं 2 बजे तक मेरा स्कूल होगा, तो 2 बजे के बाद मैं स्टार्ट करूं और रात तक करूं। तो देखती हूं क्या डिसाइड होता है। मैं अपने साथ में देखती हूं क्या डिसाइड होता है। जल्दी से पहले मैं इसको ले लूं, अपना फेस पैक लगा लूं, नहा लूं, फिर आपसे मिलती हूं, फिर बताती हूं कि आज का हमारा प्लान। हेलो गाइस, अभी होने वाला है 7:30 और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी। तो और ये डिसाइड नहीं है कितने बजे से करूँगी। मेरा मन है कि मैं 2 बजे से करूँ, 2 से रात के 10 बजे तक, और नहीं तो मैं 12 से रात के 8 बजे तक, ऐसा सोच रही हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब 1 से 2 के बीच में करूँ, जिससे कि जो मॉर्निंग का मेरा टाइम है वो बचा करेगा और मैं कुछ ऐसी चीज़ बना के जाया करूँगी घर पे जो मैं आते ही खा लूँ। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ, जैसे मुझे अगर भूख लग जाती है तो 12 बजे मैं कर लूँगी अपना, मतलब ब्रेक कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत जल्दी वाली चीज़ लेके जा रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ बना नहीं पाई हूँ, तैयारी में ही टाइम निकल गया। तो मैं ये सत्तू लेके जा रही हूँ जिसको पानी में घोलो, नमक मैं इसी में नमक मिला के लेके चली जाऊँगी। तो बस पानी डालना होगा और मुझे पी लेना होगा। तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक होती है। वैसे तो मैं इसमें प्याज वगैरह काट के डाल के तब मैं लेती हूँ, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन का अचार डाल के ले जाऊँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये, और सूखा ऐसे ही रख के लेके जाऊँगी, वहाँ जाके पानी मिलाऊँगी और पी लूँगी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मतलब कि जब भी मैं अपना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करूँगी उस टाइम मैं ये ले लूँगी। और एक आम रखा हुआ वो लेके जाऊँगी और आज मैं फ्रूट्स लेकर आऊँगी। कई दिन से मेरी डाइटिंग बिल्कुल भी सही से नहीं हो रही है, मतलब मैंने उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं बट हो रही है उल्टी सीधी। तो मैं जल्दी से पैक कर लेती हूँ और टाइम से हमें पहुँचना है, इसलिए मैं दिखाऊँगी कि कोशिश करूँगी कि आप किस तरीके से अपना पहले दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उसी हिसाब से लेके जा रही हूँ। मैं अपनी ब्रेक नहीं करूँगी डाइटिंग। तो मैं 3-4 चम्मच ये लेके जा रही हूँ, इसमें मैं मिला रही हूँ सेंधा नमक, तो इसी में मिला के लेके जाती हूँ। मैं अंदाज से मिला ले रही हूँ। साथ में मैं ये लहसुन का और मिर्च का अचार भी इसी में डाल लेती हूँ कि जब मैं पानी डालूँ तो ये टेस्ट में अच्छा लगेगा। इतना लगवा ये हमारी मील तैयार हो गई। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मील के टाइम पे। मेरी पैकिंग हो गई है, बस मैं इतना ही लेके जाऊंगी, बाकी मैं घर आके खाऊंगी। और जो आज से हमारी जर्नी है थोड़ा अलग तरीके से शुरू होगी क्योंकि जब टाइम चेंज हो जाता है उसके हिसाब से रूटीन भी चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने पैक कर लिया है। अब मैं ये डिसाइड नहीं है कि 12 बजे लेना है कि 2 बजे, क्योंकि भूख के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्कूल जाके पता चलेगा कि मुझे कब लेना है। तो चलिए चलते हैं और वहीं मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के 1 और आप सोच रहे होंगे आप मैंने तो बोला था कि 2 बजे तक का स्कूल है, उसके बाद ही मैं आपसे मिलूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई फ़ोन आया था और जिसके लिए मुझे ऑफिशियल काम से थोड़ा बाहर जाना था, तो गांव में मुझे सर्वे करना था। वहाँ पे सर्वे करने के बाद में कोई फॉर्म है, जो 2-4 फॉर्म है वो मुझे सबमिट करने हैं, तो उसके लिए जो फॉर्म मैं लेके नहीं गई थी स्कूल में, तो पहले मैं वहाँ से काम करके पहले घर पर आई हूँ। और मैं जब घर पर आई हूँ फॉर्म लेने, तो मैंने सोचा जो ये मैं स्कूल में लेके गई थी वो अभी जल्दी से खा लेती हूँ, क्योंकि तहसील जाके जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं जल्दी से ये अपना कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने वही सत्तू जो सुबह दिखाया था ऐसे करके बना के लेके गई थी। इसमें बस पानी डालना है और आपको बस अच्छे से ऐड कर देना है पानी को और मिला लेना है इसको, और बस हमारा सत्तू तैयार हो जाएगा। आप जितनी कंसिस्टेंसी का खाना चाहते हो उतनी उतना ही पानी डालें। किसी को थोड़े थिक पसंद है, पर मुझे थोड़ा पतला पसंद है। और ये लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ ही हो जा रहा है मेरा। अभी तो यही लूँगी, उसके बाद जो भी नेक्स्ट मील लूँगी वो आपको बता दूँगा। अभी मैं इतना खा के जा रही हूँ अपना काम करके, उसके बाद मैं आपसे वहाँ से आके मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि अब मैं अपने लंच में क्या लेने वाली हूँ। तो मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 3:30 और वैसे तो ये मेरे लंच का टाइम है, क्योंकि मैंने जो अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी है 12 बजे से स्टार्ट किया। 12 बजे मैंने सत्तू लिया था। आप उस समय ब्रंच भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ब्रेकफास्ट किया था, नॉर्मल किया था। आप अपनी भूख के हिसाब से या आप अपने एपेटाइट के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने सत्तू लिया था, मेरा उसी में पेट भर गया था। और उसके बाद मैं वहाँ पे तहसील गई हुई थी, तो वहाँ से आने में मुझे अभी 3:30 लगभग बज गया, मतलब 15 मिनट पहले आ गई थी। कपड़े वपड़े चेंज करने में, नहाने में थोड़ा टाइम लग गया। बहुत गर्मी हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा, मतलब बर्दाश्त से बाहर वाली गर्मी हो रही है। तो मैं बाहर से ये छोले लेकर आई, जो बॉयल वाले छोले होते हैं ना, इस टाइप के आपको। तो ये बॉयल वाले छोले होते हैं, इस टाइप के आपको बाहर मिल जाएंगे कभी बॉयल किए हुए। तो ज़्यादा प्याज टमाटर डाल के देते नहीं हैं, तो मैंने घर पे एक्स्ट्रा डाल लिया है। और खीरा था नहीं, वरना मैं खीरा ज़रूर इसमें डालती। खीरा डाल के ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप थके हुए, जब भी आप थके हुए बाहर जाते हो, तो इस तरीके की चीज़ें प्रेफर करें। कुछ और ऑर्डर करने से अच्छा है कि इस तरीके की हेल्दी चीज़ें आप लेकर आएँ। और ये 20 रुपये या 10 रुपये में आपको एक पत्ता मिल जाता है, घर पर लाकर आप उससे वहाँ बाहर की चटनी मत डलवाइए, बस अपने घर पर चटनी डालिए, प्याज मसाला और टमाटर वगैरह। खीरा हो तो खीरा डाल के आप एक अच्छी सी चाट बना सकते हैं। तो आप अपने लंच में यही लेंगे। और आप चने की चाट ले सकते हैं, आप लोबिया की चाट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इवन आप दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी रोटी कुछ भी ले सकते हैं अपने लंच में। बस पोषण कंट्रोल का ध्यान रखना है। तो मैं तो अपना लंच जल्दी से करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। उसके बाद मैं आपसे वर्कआउट के टाइम पे मिलूँगी। और मैं साथ में जामुन भी लेकर आई हूँ, जो मैं थोड़ी जब भूख लगेगी नेक्स्ट मील में तब मैं खाऊंगी। तब पहले ये मैं कंप्लीट करती हूँ अपना लंच। हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम की 5:30 और क्योंकि मैंने 3:30 बजे तक ही अपना लंच कंप्लीट किया था, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो अभी मैं 5:30 बजे ले रही हूँ ये जामुन। और मुझे जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इतने से जामुन ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर अभी कुछ ज़्यादा खा लूँगी तो फिर मैं डिनर में अपना कुछ भी नहीं ले पाऊँगी। और चाय मुझे चाहिए ही होती है, तो मैं सोच रही हूँ इस टाइम पे चाय ना लेके, क्योंकि अगर मैं अभी चाय ले लेती तो फिर मैं उसके साथ कुछ ना कुछ खा लेती, तो डिनर में मैं कुछ खा नहीं पाती। और फ्रूट्स नहीं जाते मेरी बॉडी में, क्योंकि मॉर्निंग में अब इतना गैप हो जाता है कि मॉर्निंग में भी टाइम नहीं होता फ्रूट्स वगैरह लेने का। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा या फिर जब भी मैं जैसा भी सेट करती हूँ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो इस समय मैं जामुन ले रही हूँ और डिनर में हम चाय लेंगे, एक चाय लेंगे। और चाय के साथ देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। कोई भी चीला वगैरह अच्छा सा बनाएंगे जिसमें हम फाइबर भी ऐड करेंगे। तो अभी मैं ये ले लूँगी। और ये खाते खाते मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लें। जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं, थोड़ी सी उनसे बातें कर ली जाए, उनके लिए कुछ बोल लिया जाए। तो जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो मुझे डेली कमेंट करते हैं। मुझे ये तो पता नहीं चलता कि कौन कौन देखते हैं, पर जो लोग कमेंट करते हैं उनसे मुझे ज़रूर पता चल जाता है कि वो लोग मुझे डेली देखते हैं। तो उनमें से हैं सोनम मलिक। सोनम मलिक मेरे ब्लॉग डेली देखती हैं और कमेंट करके मुझे बताती भी हैं। थैंक यू सोनम। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे, आप लोग मुझे बताते रहिए और आप मेरे ब्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हैं। और साथ में हैं अनु वर्मा है, मोनिका बघेल है, अभिमन्यु जाट करके एक है मैम, और मेकओवर ब्यूटी पार्लर श्रुति रफी, और सोनाली है सॉल्ट पेपर एंड मी। ये लोग मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, साथ ही मुझे कमेंट भी करते हैं और जिससे मुझे पता चलता है कि ये लोग मेरे डेली व्यूअर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है। अगर आपको मुझे मेरे कंटेंट में कुछ भी कमी लगती है तो गाइज आप लोग मेरे अपने हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और कितने लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आपको कोई भी रेसिपी बना के दिखाऊँ जो डाइट की हो, तो मुझे कमेंट करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो ही मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि मैं लाइव आने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो अगर कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं लाइव ज़रूर आया करूँगी हफ्ते में एक बार, और कुछ ना कुछ आपको बना के दिखाया करूँगी। तो जो भी चाहते हैं कि मैं लाइव आके कोई भी रेसिपी शेयर करूँ तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताते रहिए। तो ये लोग थैंक यू। सोनम, अनु वर्मा भी मुझे बहुत मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं कि कोई मुझे इतना चाहता है। मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं और है ना डेली मेरे व्यूअर्स हैं और वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं। और एक बात और, मेरे आज से स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल का टाइम मेरा दोपहर के 2 बजे तक होता है, तो घर आते आते मुझे 2:30 या 2:45 बज जाता है और मॉर्निंग में मुझे 7:30 तक हर हाल में निकलना होता है। तो अब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और इतने दिन की छुट्टी के बाद में अचानक से जब स्कूल वगैरह खुलते हैं तो एकदम से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो हफ्ता भर लगता है। तो और मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक अपने आप को नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है मुझे, क्योंकि इतने देर स्कूल में रहने के बाद थक जाते हैं, माइंडली भी थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसे सहन नहीं कर पाते हैं, तो माइंड से भी थके हुए होते हैं। तो मैंने सोचा है जो मेरे ब्लॉग्स होंगे अब डेली ना आके 2 दिन का ब्लॉग एक दिन में आया करेंगे। जैसे अगर आज का ब्लॉग है और कल का ब्लॉग है, मिला के कल आएगा, ऐसे करके मैं अपना ब्लॉग बनाया करूँगी, जिसमें आज का पूरा डाइट प्लान प्लस दूसरे दिन का डाइट प्लान, एक दिन का डाइट प्लान, एक दिन का पूरा लाइफ स्टाइल डाइट प्लान के साथ में, और एक्सरसाइज मैं एक ही ब्लॉग में दिया करूँगी। मतलब 2 दिन में एक ब्लॉग, और प्लस दिन मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, उस दिन मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया करूँगी, चाहे वो किसी रेसिपी की हो सकती है या फिर एक्सरसाइज की। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप रेसिपी की मतलब शॉर्ट्स देखना चाहते हैं या एक्सरसाइज प्लान देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज के अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज घर पे कैसे करते हैं वो देखना चाहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने शॉर्ट्स बनाऊंगी। तो कमेंट करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं, जिससे कि मैं मतलब समझ सकूं कि मुझे अपना अगला कंटेंट क्या बनाना है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और गाइज अभी तो मैं यही लेती हूँ और इसके 15 मिनट बाद मैं घर पर ही एक्सरसाइज करूँगी। मैं जल्दी से ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर हम डिनर पर मिलते हैं और कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो अभी हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हमने हमेशा बताया कि हम अपना वार्म अप करते हैं, और वार्म अप कैसे किया जाता है उसकी जो पूरी एक्सरसाइज का एक वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो जितनी भी मैं एक्सरसाइज करूँगी उसके 3 सेट होंगे और 20-20 रिपीटिशन करने हैं आपको, तो उसी हिसाब से करें। तो चलिए हम पहले अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक के टाइम। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. गाइस अभी हो रहा है शाम के 7:15 और वैसे आज का मेरा स्लॉट 1 बजे से स्टार्ट हुआ था और मैं सोच रही थी 9 बजे तक करूँगी बट मैंने सोचा मैं अपना 8 बजे से पहले ही अपना डिनर कंप्लीट करके मैं नीचे वॉक पे जाऊँगी और मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया जो मैं आपको दे ही दूँगी यहाँ पे, वो आप वहाँ से देख लें। तो मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मुझे भूख लगने लगी है तो मैंने सोचा कि अपना 8 बजे तक अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं वॉक पर चली जाऊँगी। जो हम 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए कर रहे थे अपना रेगुलर, वो फिर से स्टार्ट करेंगे। 10,000 पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब स्कूल शुरू हो गए हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5,000 से ज़्यादा तो मैं करूँगी ही करूँगी। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी से मैं तैयारी करना शुरू करूँगी, शूट करूँगी, तब तक 8 बज ही लेंगे। तो मैं बता देती हूँ कि अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे और बहुत कम घी लगा के हम बनाएंगे। तो ये इतनी लौकी बची हुई थी, बाकी लौकी मैंने बना के बीच में खा ली थी जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और मैं थोड़ा तीखा बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे बहुत चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा है। तो मैं ये थोड़ी इतनी सारी ग्रीन चिली यूज़ करूँगी। साथ में मैं चाय लूँगी तो चाय मैं एक साइड में बनने रख देती हूँ, तब तक इसे कद्दूकस वगैरह करूँगी तो ये हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम के लगभग 8 और मैं अपने डिनर के साथ आ गई हूँ क्योंकि चाय मैंने आज नहीं पी थी और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो चाय हम कैसे छोड़ सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है लौकी के 2 पराठे लिए हैं क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। मैं अभी जाके वॉक कर लूँगी बहुत अच्छे से, मतलब 5,000 से तो ज़्यादा ही करूँगी तो मेरा कैलरी बर्न हो जाएगी। एक्सरसाइज मेरी हो गई है, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मैंने इतनी गर्मी थी कि मैंने 20 या 25 मिनट ही एक्सरसाइज करी है, बस आप भी उतनी करें। और वॉक पे ज़्यादा ध्यान दें इस समय क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते। घर में जितनी कर सकते हो तब भी गर्मी लगती है। तो 20-25 मिनट ठीक है, आधे घंटे तक ठीक है। साथ में आप वॉक कंप्लीट कर लें। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करने चाहते हैं तो वो वॉक ज़्यादा करें और वरना थोड़ा थोड़ा करके अपने को मैनेज करते रहें। और खाने पीने पे भी ध्यान दें क्योंकि इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने का टाइम है और हमें इम्यूनिटी को लूज़ नहीं करना है। तो पहले तो ये लौकी के पराठे कैसे बनते हैं वो आप देख ही लेंगे, आपको रेसिपी मिल ही जाएगी। और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और आपको इससे पहले वाले जो ट्रैवल ब्लॉग थे वो कैसे लगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे समझ नहीं आती हैं कि मैं आपको क्या कंटेंट दूं, तो आप मुझे बताते रहिए, मैं वो कंटेंट देती रहूँगी। और अभी तो मेरा डिनर यही होगा, उसके बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो मैं नया ट्राई करती हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और कमेंट करके मुझे नए नए सजेशन देते रहिए। तो अब हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ में और नई रेसिपीज़ के साथ में, नई एक्सरसाइज प्लान के साथ में। और मैंने प्लान तो बता ही दिया कि हमारा ब्लॉग कैसे आएंगे, 2 दिन बाद आया करेंगे। तो और जिस दिन ब्लॉग नहीं आएगा उस दिन हमारा कोई एक शॉर्ट्स वीडियो आया करेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल, बाय बाय।